हेलो दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी शिक्षा के बारे में, जो भी शिक्षा से संबंधित प्रमुख तत्व थे उत्तर प्रदेश के संबंध में, उन सभी को हम लोगों ने देखा था। 22वां चैप्टर है आपका योजनाओं से संबंधित। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं भी अपडेट कर लूँ, जो अभी 2019 तक जिससे कवर हो जाए आपकी लेटेस्ट जो भी योजनाएं लागू हुई हैं, क्योंकि इस बुक्स में जो योजनाएं दी गई हैं उत्तर प्रदेश की वो बहुत पुरानी है यार, और जो अभी अपडेट हुई हैं उसके लिए मैं देखता हूँ एक दो दिन में, जब भी मुझे टाइम मिलता है अपडेट कर आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कला और संस्कृति के बारे में। कला एवं संस्कृति। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का मुख्य केंद्र रहा है, साथ ही कतिपय संस्कृतियों का उद्भव भी उत्तर प्रदेश से हुआ। यह भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध तथा अनेक संतों की जन्म एवं कर्म कुंडली रही है, कर्मस्थली रही है। प्रदेश के स्वतंत्रता पश्चात चहुमुखी विकास के आकलन हेतु सांस्कृतिक स्तर पर विचार करना समाचीन ही होगा। विकास की इस यात्रा में कला एवं संस्कृति का भी उत्कृष्ट योगदान है। कला के क्षेत्र में सबसे प्राचीन कला है चित्रकला, एक विशिष्ट स्थान दृष्टिगोचर होता है। इस संदर्भ में मिर्जापुर की लेखनिया दरी और सोनभद्र की शैलाश्रम की कला, होशंगाबाद और मानिकपुर आदि की पर्वत श्रेणियों एवं गुफाओं से प्राप्त चित्रकला आदि के उदाहरण राज्य की कला के अतीत विभव का दिग्दर्शन करते हैं। प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ, तो ये आपकी कंदरा शैली अथवा मिर्जापुर शैली। मिर्जापुर की गुफाओं के चित्र प्रागैतिहासिक शैली में पृष्ठभूमि के अभाव में ही भावों तथा घटनाओं को रेखाओं के माध्यम से चित्रित करते हैं। मथुरा अथवा ब्रज शैली। इस शैली की समृद्ध पृष्ठभूमि पर प्रेम, प्रकृति एवं भावनात्मक अभिव्यक्ति को जीवंतता प्रदान की जाती है। बुंदेली शैली। चित्र में रिक्त स्थान को भरने हेतु चित्तांकित पृष्ठभूमि पर चित्तों में एक गहराई का आभास किया जाता है। आगरा अथवा मुगल शैली। क्या है? आगरा अथवा मुगल शैली। इस शैली में प्रारंभिक चित्रों में एक तरफ के दृश्य अथवा छवि को चित्रित किया जाता था, तत्पश्चात भावनाओं, व्यक्तियों, सौंदर्य तथा युद्ध एवं शिकार आदि के चित्रों में कार्यवाही को प्रमुखता प्रदान की जाती। मिश्रित चित्र शैली। इस शैली के चित्रों में पुरातन एवं आधुनिकतम शैलियों के मिश्रित रूप में चित्रकारी की जाती है। फिर आपका चित्रकला विषय प्रमुख तत्व। मुगल सम्राट हुमायूं ने आगरा में राजगद्दी संभालते ही ख्वाजा अब्दुल समद तथा मीर सैयद अली नामक चित्रकारों को शाही चित्रकार नियुक्त किया था। आगरा अथवा मुगल शैली में जो गुजराती चित्रकला का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, उसका एकमात्र कारण है अकबर के सभी प्रमुख 6 चित्रकार गुजराती थे। ठीक है, जहांगीर में यह अनुपम प्रतिभा थी कि वह किसी भी चित्र को देखकर बता सकता था कि उसका चित्रकार किस देश के किस भाग का निवासी है। जहांगीर के शासनकाल में सर्वाधिक चित्रकारी शिकार पर की हुई है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में चित्रित समस्त मुगलकालीन चित्र सूती कपड़ों अथवा मोटे कागज पर और उनके चित्रांकन में खनिज तथा वनस्पतिक रंगों का उपयोग किया गया है। उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन चित्रों में रात्रि के दृश्य को चांदी तथा प्रातः के दृश्य को सोने के अस्तर से प्रदर्शित किया गया है। मथुरा में उपलब्ध चित्रों में राजपूत शैली में प्रेम एवं प्रकृति सामंजस्य किया गया है। बुंदेलखंड में प्रयुक्त चित्रकारी राजा शत्रुजीत सिंह परी की गई है। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भित्ति चित्र चित्रित करने का गौरव प्राप्त है। वह मथुरा जनपद के बलदेव ग्राम के निवासी हैं। मेरठ निवासी चित्रकार चमन सिंह चमन ने चित्रकला एवं मूर्तिकला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखकर तथा सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियां आयोजित करके विशेष ख्याति प्राप्त की है। विख्यात चित्रकार किरण उनकी धर्मपत्नी है।
लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी ने राज्य की चित्रकला को राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के चित्रकार रमेश चंद पाथी, नित्यानंद, सुरेंद्र बहादुर, सुमानव तथा चमन सिंह ऐसे चित्रकार थे जिन्हें प्रयाग समस्त शैलियों में चित्रकारी की है जिन्होंने। ठीक, फिर है संगीत। क्या है संगीत? उत्तर प्रदेश में संगीत का प्रसंग वैदिक काल से ही उपलब्ध है। उपनिषदों में सामवेद के गायन और संगीत वाद्यों का वर्णन मिलता है। राज्य में 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य संगीत के क्षेत्र में कश्यप, शार्दुल, दत्तिल, मातंगम, अभिनवगुप्त तथा हरिपाल आदि कुछ विश्व संगीतज्ञों के नाम उल्लेखनीय। भारतीय संगीत के शुभारंभ के विषय में कोई प्रमाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार भारतीय संगीत का शुभारंभ कब और किसने किया, यह तथ्य आज भी विस्मृति के गर्भ में छिपा है। पौराणिक कथाओं एवं श्रुतियों से स्पष्ट होता है कि संगीत का शुभारंभ देवी देवताओं ने शुरू किया था। 15वीं और 16वीं शताब्दी तक भारतीय संगीत में फारसी धुनों का समावेश हुआ। विख्यात सूफी संत, कवि, संगीतज्ञ तथा प्रशासक अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया, जो त्रितंत वीड़ा का ही एक उन्नत रूप था। इतना ही नहीं, उन्होंने ख्याल गायन को प्रोत्साहित किया और भारतीय संगीत में फारसी की धुन को समाहित करके नए रागों का सृजन भी किया। फिर है आपका भक्ति योग में संगीत। किसमें? भक्ति योग में संगीत। उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन के प्रादुर्भाव के साथ ही संगीत के क्षेत्र में भी विविध पक्षीय उन्नति हुई। महान संगीतज्ञ ध्रुपद धमार के प्रवर्तक तथा संत स्वामी हरिदास वृंदावन निधिवन में निवास करते थे। संगीताचार्य तानसेन सरीखे उनके अनेकानेक शिष्य अकबर के दरबारी संगीतकार भी थे। जौनपुर के शासक सुल्तान हुसैन सरकी भी एक महान संगीत प्रेमी तथा संगीतज्ञ थे, जिन्होंने कव्वाली को की धुन पर बड़ा ख्याल का परिवर्तन किया। जहाँ शाहजहाँ के शासनकाल में वाराणसी के प्रख्यात संगीतकार जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया गया। मुगल शासन के अंतिम चरण में जौनपुर के सरकी शासक द्वारा पीड़ित अनेक बड़े ख्यालों को दो महान वीणकारों अदारंग तथा सदारंग ने विकसित किया था। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, आगरा आदि घरानों ने शास्त्रीय संगीत के इतिहास में अनेकानेक पृष्ठ जोड़े। विदेश के इन घरानों ने देश को ऐसे महान गायक एवं वादक दिए जिन्होंने संगीत के इतिहास को समृद्ध किया। संगीत विषयक प्रमुख तथ्य देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ही मृदंग, वीणा, एकतारा, ढोलक, सितार, मंजीरा, चिमटा, घुंघरू, घड़ा, नगाड़ा आदि जैसे वाद्य यंत्रों का आविष्कार हुआ। विख्यात सूफी कवि, संत, संगीतज्ञ तथा प्रशासक अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। ठीक है, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने बड़ा ख्याल जैसे नई गायन शैली का आविष्कार किया था। ठीक है, अवध के महान संगीतज्ञ विंदादीन महाराज ने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया। लखनऊ के महान मियाँ सूरी ने ठप्पा टप्पा गायन शैली प्रचलित की, जो पंजाब की हीर शैली गायकी पर आधारित है। महान गायक तथा संगीतज्ञ तानसेन के दामाद हाजी सुल्तान ने ख्याल गायकी को प्रचलित करके आगरा घराने को जन्म दिया। आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता उस्ताद फयाज खां के को माना जाता है, जिन्हें अफ्ताब ए मुसीकी संगीत के सुर उपाधि से सम्मानित किया गया है। रामपुर के संगीत वाजिर अली खान ने वीणा वादन में ख्याल पद्धति प्रयोग करके सैनिया घराने जैसे संगीत घराने को जन्म दिया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के महान सितार वादक भारत रत्न पंडित रविशंकर रामपुर के महान सितारज्ञ उस्ताद अलाउद्दीन खां के प्रमुख शिष्य और दामाद भी थे। देश में
देश ने संगीत क्षेत्र का सर्वप्रथम पदक सम्मान रामपुर घराना के संस्थापक उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां को प्रदान किया था। बात करते हैं गीत। प्रदेश के लोक गीतों में बिरहा, चेती कजरी, रसिया आला, पूरन भगत, वरथरी आदि मुख्य हैं। प्रदेश में नृत्य गीतों के भी अनेक अनेक प्रकार गाए जाते हैं। कुछ मुख्य नृत्य गीत और हैं जौनपुर के कहारों का चौरसिया घड़िया नृत्य, राज्य के जौनसार बाबर तथा बुंदेलखंड आदि क्षेत्रों के लोकगीतों में वहाँ की जनजातियों तथा क्षेत्रीय विशेषताओं की स्पष्ट झलक मिलती है। विदेश की लोक संस्कृति देश की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। राज्य में हिंदी तथा एवं स्थानीय भाषाओं में विशिष्ट अवसरों पर लोकगीत गाने की स्वस्थ परंपरा प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न शैलियों भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, बुंदेलखंडी तथा ब्रज क्षेत्र के अनेक अनेक लोकगीत तथा लोक नृत्य गीत उपलब्ध हैं। इन लोकगीतों के अंतर्गत संस्कार गीतों में विवाह गीत, सोहर, ऋतु गीतों में कजरी, चेती, होली, श्रम परिहार गीतों में रुपाई बुवाई, कटाई, जतसार, धार्मिक गीतों में आप तथा मेलों के गीत में विविध पक्षीय झलक दृष्टिगोचर होती है। इन लोकगीतों तथा लोक नृत्य गीतों के प्रभावशील प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त विभिन्न लोक वाद्यों यथा ढोलक, ढोल, झांझ नगाड़ा, रमतुला, रणसिंगा, रेंगड़ी, हुडूक, केंकड़ी, मंजीरा चिमटा तथा करताल, वेला चम्मच तथा थाली आदि से वातावरण तथा प्रस्तुति में चार चांद ही लग गए। फ्रेनेत मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अनेकानेक कलाकारों ने उत्तर प्रदेश में शरण ली, जहां प्रमुख रूप से अवध के नवाबों ने उन्हें समुचित आश्रय एवं संरक्षण दिया। इसमें अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली सांग, जो कि संगीत मर्मज्ञता तथा कलाकारों को राजस्व देने हेतु विख्यात थे, ने विशिष्ट भूमिका निभाई। उन्होंने नवाब साहब ने इन कलाकारों को अपने दरबार में समुचित सम्मान दिया। कथक शैली के विख्यात मर्मज्ञ तथा विशेषज्ञ ठाकुर प्रसाद के प्रिय शिष्य नवाब वाजिद अली शाह ने नृत्य की कथक शैली को नई दिशा, नए आयाम प्रदान किए। उल्लेखनीय तथ्य है कि नृत्य की कथक शैली उत्तर प्रदेश की ही एक विशिष्ट देन है, जिसे नवाब वाजिद अली शाह ने भरपूर आश्रय दिया। फलतः कथक नृत्य मंदिरों की सीमाएं लांघकर राजदरबार की शोभा बढ़ाने लगा। उसके स्वरूप तथा प्रस्तुति में आधिकारिक निखार तो आया, किंतु उसकी धार्मिक एवं भक्ति भावना लुप्त हो गई। कालांतर में कथक नृत्य के सर्वप्रथम उन्नानायक ठाकुर प्रसाद ने ही उसे नवजीवन और एक महान गौरव प्रदान किया। ठुमरी। ठुमरी के प्रणेता महाराज विंदादीन ने कथक की अवधारणा में अभिनव एवं भावी भी व्यक्ति हेतु ठुमरी का प्रयोग किया। इसके बाद कालका महाराज के सुपुत्रगण अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज ने और उनके पौत्र बिरजू महाराज ने इसकी तकनीकी गत विशेषताओं को और भी परिष्कृत किया। इन महान कथक नर्तकों ने कथक नृत्य क्षेत्र में जो महान परंपराएं स्थापित की, उन्हें लखनऊ घराना नाम से जाना जाता है। फिर आपका लोक नृत्य चरकुला। ब्रज क्षेत्र के इस घड़ा नृत्य में रथ अथवा बैलगाड़ी के पहिए पर अनेकानेक घड़े रखकर फिर उसे अपने सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। दीपावली। बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा अनेकानेक दीपों को प्रज्वलित करके नृत्य किया जाता है। फिर पाई डंडा। बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा छोटे छोटे डंडे लेकर गुजरात के डांडिया नृत्य की भांति नृत्य करते हैं। राई कृष्ण जन्मोत्सव के समय बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला मयूर नृत्य राई नृत्य कहलाता है। फिर सेहरा, यह बुंदेलखंड के किसकों द्वारा फसल काटते समय हर्षोल्लास व्यक्त करने हेतु किया गया नृत्य है। घुरिया, बुंदेलखंड के कुम्हारों द्वारा महिला परिवेश में किए जाने वाला गीत नृत्य है। ख्याल, पुत्र जन्मोत्सव पर रंग बिरंगे कागजों तथा बांसों द्वारा निर्मित मंदिर को सिर पर रखकर
किया जाने वाला नृत्य धोबिया, धोबी जनजाति, धोबी जाति है जो इस लोक नृत्य में एक नर्तकी धोबी अथवा दूसरा गधा बनकर नृत्य करता है। धीवर एक कहार जाति होती है जो शुभ अवसर पर उसके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कार्तिक बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण अथवा गोपी बनकर किया जाने वाला नृत्य है। फिर है आपका छपेली, एक हाथ में रूमाल तथा दूसरे में दर्पण लेकर किए जाने वाले इस नृत्य में आध्यात्मिक समुन्नति की कामना की जाती है। झोलिया राजपूत छोलिया राजपूत के विवाह नृत्य में एक हाथ में तलवार दूसरे में ढाल लेकर नृत्य किया जाता है। पासी जनजाति के इस लोक नृत्य में सात पृथक पृथक मुद्राओं की एक गति तथा एक लय में योद्धक भूमिका अभिनीत की जाती है। देव देवी बुंदेलखंड के इस लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का स्वरूप धारण करता है तथा शेष नर्तक उसके सम्मुख नृत्य करते हैं। नटवरी राज्य के पूर्वांचल में अहीरों द्वारा नक्कारे की लय पर किया जाने वाला नृत्य है। धोबिया शुभ अवसरों पर एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर एक कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। कलाबाजी अवध क्षेत्र के इस नृत्य में नर्तक मोर बाजा वेंड फाइव लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। जागनी अवध के इस क्षेत्र में रामनवमी के पर्व पर पुरुष नर्तक तथा उनमें से कुछ महिला वेश धारण करके साधुओं के रूप में नृत्य करती हैं। फिर है आपका लोक नृत्य विषयक प्रमुख तथ्य, ब्रज का प्रमुख पारंपरिक नृत्य है चरगुला। गुजरात के डांडिया नृत्य, सरीखा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य पाई डांडा होता है। मिर्जापुर के घर करही नृत्य में पुरुष नर्तक उछल कूद तथा कलाबाजी का प्रदर्शन करते हैं। डोम जाति के प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए धसिया तथा गोंड जनजातियों के नर्तक डोम कच्छ नृत्य करते हैं। लोक नृत्य कर्मा में नर्तक वनों से पेड़ की शाखाएं काटकर पुजारी को देते और नृत्य के मध्य शराब तथा फूल पत्ती चढ़ाई जाती है। लोक नृत्य नटवरी में नर्तक कुश्ती लड़ते हैं, कबड्डी खेलते हैं, चिड़िया जैसा विहार करते हैं, चिड़ियों जैसा। ठीक, प्रमुख लोक वाद्य, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक वाद्य हैं ढोलक नगाड़ा डंका ढोल झांझ चिमटा मंजीरा बेला थाली झुंझुना अलगोजा घुंघरू एकतारा मृदंग बांसुरी घड़ा शंख घंटा रणसिंगा तुरही वीणा सारंगी और बीन आदि। ठीक है, लोकवाद्यों विषयक प्रमुख तथ्य, जो लगभग 4.5 फुट व्यास के पशु की खाल को नगाड़े पर चढ़ाकर फिर उसे डंडियों द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य को बम वाद्य कहते हैं। घुरिया समाज के संगीत में बड़े आकार के डमरुओं जंजीरों तथा घुंघरुओं का प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में मंजीरा वीणा मृदंग एकतारा ढोलक नगाड़ा घुंघरू चिमटा बेला घड़ा थाली सितार तथा डमरू आदि लोक वाद्य यंत्रों का आविष्कार हुआ है। अब बात करते हैं रीति रिवाज, उत्तर प्रदेश को भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र ही नहीं बल्कि उद्भव राज्य भी कहते हैं। कहने को तो राज्य को हिंदू प्रधान जनसंख्या वाला राज्य कहा जाता है, किंतु यहाँ के मुस्लिम सिख बौद्ध फारसी निवासियों ने एक मिश्रित संस्कृति अपनाई है। गंगा यमुना की संस्कृति पर राज्य के भगवान महापुरुषों संतों फकीरों तथा अन्य विशिष्ट जनों की जन्मस्थली एवं कार्यक्षेत्रों का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि राज्य के निवासी पारस्परिक प्रेम एवं सौहार्द के वातावरण में भाईचारे की भावना से प्रया अनुप्राणित हैं। वे मात्र अपने धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाजों में ही नहीं अपितु अन्य मित्रगणों के रीति रिवाजों में भी सक्रियता से भाग लेते हैं। यह राज्य भगवान राम भगवान कृष्ण भगवान बौद्ध सूरदास तुलसीदास कबीर शेख सलीम चिश्ती गुरु तेग बहादुर आदि का जन्म अथवा कर्मस्थल रहा है। यहाँ गंगा यमुना गोमती सरयू जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। यहाँ के ऐतिहासिक धार्मिक एवं पुरातात्विक स्थलों में सभी धर्मों का समावेश दृष्टिगोचर होता है। अब बात करते हैं मेले,
ये बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक, मेले उत्सव। विदेश के सभी संप्रदाय के लोग अपने रीति रिवाजों के अनुसार निश्चित तिथियों को विशिष्ट उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। विदेश में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न मेलों के बारे में बात करें तो कुंभ का मेला प्रति 12 वर्ष में लगता है, प्रयाग मेला बंद अर्धकुंभी। प्रयाग के कुंभ के 6 वर्ष के उपरांत प्रति 12 वर्ष में हरिद्वार में भी लगता है। वटेश्वर आपका आगरा जिला में लगता है प्रति वर्ष। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला प्रति वर्ष। ठीक है, नौचंदी ये मेरठ में प्रति वर्ष नौचंदी मेला लगता है। दशहरा आगरा मथुरा में वैसे यह सर्वत्र मनाया जाता है। लठमार होली नंदगांव के निकट बरसाना में मथुरा में लगता है, प्रति वर्ष होती है। हरदास जयंती वृंदावन में प्रति वर्ष। देव मेला बाराबंकी। मकनपुर मेला फरुखाबाद। सैयद सालार बहराइच डाईघाट शाहजहाँपुर अयोध्या फैजाबाद नेमसारण सीतापुर गोला गोरखनाथ खीरी गोकरण गोला गोकरणनाथ खीरी बलसुंदरी देवी अनूप शहर कंपिल बांदा देवी पाटन गोंडा श्रावणी व जन्माष्टमी अथवा नवरात्रि मेला आगरा कैलाश मेला आगरा सावन के तीसरे सोमवार को प्रति वर्ष कैलाश व सिकंदरा में मनाया जाता है। गड़गोर मेला ये आपका गोकुलपुरा एवं मोती कटरा आगरा में। माघ मेला इलाहाबाद। दादरी मेला बलिया। राम बारात आगरा। रामनवमी अयोध्या। ताज महोत्सव आगरा। नवरात्रि मेला विंध्यांचल मिर्जापुर। ठीक, वार्षिक मेलाओं की बात करें तो लखनऊ महोत्सव। इस महोत्सव में अवध के परंपरागत संगीत नृत्य वैभव नजाकत एवं नफासत का दिग्दर्शन किया कराया जाता है। वाराणसी उत्सव इस आयोजन में भारतीय धर्म एवं संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ताज महोत्सव प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में ताज नगरी आगरा में आयोजित इस महोत्सव में मुगलकालीन संस्कृति और भारतीय कलाकारों का प्रदर्शन किया जाता है। प्रयागराज इलाहाबाद उत्सव इस आयोग में प्रदेश की मिश्रित संस्कृति का अवलोकन कराया जाता है। कांपिल उत्सव फरुखाबाद के रामेश्वर नाथ एवं कामेश्वर नाथ मंदिरों तथा अन्य जैन मंदिरों में आयोजित इस महोत्सव में जैन धर्म एवं संस्कृति का आयोजन होता है। कबीर उत्सव संत कबीर विषयक जीवन प्रदर्शन को आधिकारिक प्रसारित करने हेतु वस्ती जनपद के मघर में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। कबीर पंथी तथा अन्य जिज्ञासुजन उत्सव में भाग लेकर जीवन दर्शन में एक परिवर्तन की झलक अनुभव करते हैं। फिर है आपका झांसी उत्सव। राजकीय संस्कृति विभाग प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में इस 5 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन करती है। संस्कृति शिक्षा परिषद प्रदेश सरकार ने कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्कृति शिक्षा परिषद का गठन किया है। इससे कला नाट्य संगीत एवं सांस्कृतिक शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में काम करने वालों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार द्वारा विशेष योजना में लखनऊ झांसी मथुरा लोक एवं लोक कला संग्रहालय की सभी कलाकृतियों का विवरण इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। इस प्रकार देश में यह पहला संग्रहालय जिसने यह योजना लागू की है। विदेश के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों साहित्यकारों जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला एवं संस्कृति तथा साहित्य की आराधना में लगा दिया परंतु वृद्धावस्था एवं खराब स्वास्थ्य के कारण अपने जीवोपार्जन में असमर्थ हो गए उनको प्रति माह 1000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक के कलाकारों साहित्यकारों को जिनकी समस्त स्रोतों में आय 6000 प्रति वर्ष से अधिक ना हो वो 1000 प्रति माह पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। वृद्ध एवं असहाय कलाकारों को एक वर्ष में एक मुश्त अधिकतम 3000 तक की वित्तीय सहायता दिए जाने की योजना भी संचालित है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे वृद्ध एवं असहाय कलाकारों को एक मुश्त आर्थिक मदद दिए जाने का प्रावधान है जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक है जिनकी वार्षिक आय 3000 से अधिक नहीं है। ठीक है, ये हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर में पॉइंट क्या हैं। जहांगीर के शासनकाल में सर्वाधिक चित्रकारी शिकार पर की गई। ठीक है,
पौराणिक कथाओं एवं श्रुतियों से स्पष्ट होता है कि संगीत का शुभारंभ देवी देवताओं ने किया था। विख्यात सूफी संत कबीर संगीतज्ञ पिशाचक और अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। संत स्वामी हरिदास जी वृंदावन निधिवन में निवास करते थे। अवध के महान संगीतज्ञ विदादीन महाराज ने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया। बुंदेलखंड के हीरों द्वारा अनेकानेक दीपकों को प्रज्वलित करके नृत्य किया जाता था। धोबी जाति के लोक नृत्य में एक नर्तकी धोबी दूसरा गधा बनकर नृत्य करते हैं। ब्रज का प्रमुख पारंपरिक नृत्य है चरकुला। गंगा यमुना गोमती सरयू पवित्र नदियां उत्तर प्रदेश में बहती हैं। कुंभ का मेला प्रति 12 वर्ष में लगता है प्रयाग इलाहाबाद में। मेरठ में प्रति वर्ष 9 चंदी मेला लगता है। कैलाश मेला आपका आगरा में सावन के तीसरे सोमवार को प्रति वर्ष कैलाश व सिकंदरा में मनाया जाता है। माघ मेला आपका इलाहाबाद में मनाया जाता है। प्रदेश सरकार ने कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्कृति शिक्षा परिषद का गठन भी किया है। ठीक है, ये है आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स क्या है, क्वेश्चंस और उनके आंसर्स इसी जो भी आप हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक इसी से लगभग संबंधित है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल आपका मघर में सही है। भगवान बौद्ध निर्माण स्थल कुशीनगर में है ये भी सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ में ये भी सही है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली सा किंसा में ये आपका गलत है। तो इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन एक का डी। क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। क्या है, नहीं पूछ रहा है। आला बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, रोहेलखंड, चित्ती है जो आपका रोहेलखंड से संबंधित नहीं है। इसमें सी होगा, कजरी है जो अवध से संबंधित है। एक में होगा डी और दो में होगा सी। क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो याद रखिए मुरिया नहीं है, चरकुला है, कर्मा है, दादरा है। क्वेश्चन है इसमें डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन है चार, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है पूछ रहा है। तो लोकगीत नहीं है आपका डोला मारू नहीं है। ठीक है, विरहा है आपका, कजरी है, रसिया है, बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है आपका पाँच, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपका देवगढ़ में है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है सिक्स, निम्नलिखित में से किस धार्मिक स्थल को तीर्थराज कहा जाता है। तो यह आपका प्रयाग को। क्वेश्चन है आपका सात, ये आपके धार्मिक स्थल है और जिला, इन्हें मिलाना है हमें। देवबंद है आपका, ये आपका सहारनपुर में है और जो सौरो है एटा में। देवीपाटन आपका गोंडा में। नेमिसरण ये आपका सीतापुर में। ठीक है, तो इसमें होगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन है आठ, सरकी शासकों के संरक्षण में अटाला मस्जिद का निर्माण किस स्थान पर कराया गया था। तो याद रखिए ये आपका जौनपुर में, सी ऑप्शन सही है। क्या है, जौनपुर। क्वेश्चन है हमारा नौ, मथुरा कला शैली का चरमोत्कर्ष किस काल में था। तो याद रखिए आठ में के नौ में क्या होगा आपका सी, गुप्त काल में। क्वेश्चन है दस, नौ में होगा आपका कुषाण काल, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है दस, आठ का सी था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल लगभग कितने मेलों का प्रतिवर्ष आयोजन होता है। तो याद रखना लगभग 2250। क्वेश्चन है ग्यारह, धुरिया लोक नृत्य है। तो याद रखना बुंदेलखंड का। क्वेश्चन है बारह, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। तो बारह का आपका सी, मेहंदी। क्वेश्चन है तेरह, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है।
तो 13 में आपका होगा डी, आगरा में। क्वेश्चन है आपका 14, क्या है? सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी, तो याद रखना इसमें होगा आपका शिवनंदन नौटियाल ने, क्या होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन है 15, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होली उत्सव के अवसर पर लट्ठा मार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है, तो याद रखना बरसाना में। क्वेश्चन है आपका 16, स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है, तो याद रखना है वृंदावन में, डी ऑप्शन सही है 16 का। 17, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में किस वर्ष की गई थी, तो याद रखना 1962 में। नक कटेया मेला कहाँ लगता है, तो याद रखिए वाराणसी में। क्वेश्चन है 19, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई, तो याद रखना 19 का होगा बी, 1951 में। क्वेश्चन है 20, कुषाणकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से किस स्थान पर, किस संग्रहालय में सुरक्षित है, तो याद रखना 20 का होगा सी, मथुरा में। क्वेश्चन है आपका 21, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो 21 में आपका लखनऊ में, 21 में क्या होगा डी। क्वेश्चन है 22, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राहुल संख्यायन संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है, तो याद रखना मोहरे मृदापात सिक्के, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 23, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो ये आपका लखनऊ में। क्वेश्चन है 24, उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई, तो याद रखना 24 में आपका होगा ए, 1957 में। क्वेश्चन है आपका 25, उत्तर प्रदेश में 1920 में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी, तो 25 में होगा आपका ए, वाराणसी में। क्वेश्चन है 26, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने मिलते हैं आपको, तो याद रखना मौर्य काल के, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 27, क्या है 27 है, प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जासी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखी गई प्राचीनतम पोथी उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है, तो याद रखना लखनऊ संग्रहालय में। 28, उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो याद रखना वाराणसी में। क्वेश्चन है 29, लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो याद रखना 1911 में, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 30, उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया, तो याद रखना असित कुमार हल्दार ने, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 31, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत है, तो याद रखना यह है बिरहा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपको 32, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया गया था, तो याद रखना हुमायूं ने। क्वेश्चन है 33, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी, तो याद रखना 33 में होगा डी, मुगल शैली। क्वेश्चन है 34, उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन चित्रों में प्रातः के दृश्यों को प्रदर्शित किया गया है, तो याद रखना सोने के अस्तर से, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 35, सितार का आविष्कार किसने किया, तो याद रखना अमीर खुसरो साहब ने। तो ये था आपका उत्तर प्रदेश का जो भी कला एवं संस्कृति का चैप्टर था उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। आगे हम लोग बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण समाचार पत्र पत्रिका हैं उन्हें देख लेंगे हम लोग, ठीक है।